दोस्तों आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से दबाइए। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों हार्दिक पांड्या 37 रनों की दमदार बल्लेबाजी और लसित मलिंगा 4 विकेट की तूफानी गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने आरसीबी को 5 विकेट से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे मुंबई ने एक ओवर रहते ही हासिल कर लिया। मुंबई की इस जीत के सबसे बड़े हीरो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहे और तेज गेंदबाज लसित मलिंगा भी। पांड्या ने अंत में सिर्फ 16 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं मलिंगा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने इस टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की है और वहीं आरसीबी इस मैच को भी हारकर अब इस टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो गई है, यानी कि अब वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकती। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में देखने वाली बात तो ये रही कि एक बार फिर से मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को नहीं खिलाया। जी हाँ, दरअसल जब पिछला मैच मुंबई ने अपना राजस्थान के खिलाफ हारा था तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब यूवी की टीम में वापसी होगी और वो आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रोहित ने उन्हें नहीं खिलाया। अब दोस्तों ये मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में रोहित से जब ये पूछा गया कि क्या आप युवराज सिंह को आप कभी नहीं खिलाओगे, तो इसका जवाब देते हुए रोहित बोले कि पिछले मैच को अगर हम हटा दें तो यूवी के बिना भी हम 2 मैच जीत गए थे और हम अपने दूसरे खिलाड़ी जैसे कि ईशान किशन को मौका दे रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करने का। इस मैच में भी हमने यूवी की जगह ईशान किशन को खिलाना सही समझा, क्योंकि ईशान मिडिल ऑर्डर में हमारी टीम के लिए काफी रन जोड़ सकते हैं। दोस्तों रोहित ने आगे कहा कि इस मैच में भी ईशान ने छोटी पारी जरूर खेली, लेकिन उन्होंने काफी तेज पारी खेली थी, इसलिए अब अगर ईशान ऐसा ही प्रदर्शन करते गए तो हम उन्हें ही टीम में रखेंगे। ना यूवी हमारी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और हम उन्हें समय आने पर मौका जरूर देंगे। दोस्तों वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर को मजबूती तो युवराज सिंह भी दे सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन की जगह पर युवराज सिंह को खिलाना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और आईपीएल 2019 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।